वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेकअप चैलेंज, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे हम पर्ची वाला चैलेंज बोल सकते हैं, चिप चैलेंज बोल सकते हैं, या फिर आप स्लिप चैलेंज भी बोल सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम स्लिप्स बनाएंगे दो अलग अलग, जिसमें एक मेकअप प्रोडक्ट होंगे और एक स्लिप्स में हमारे फेस के पार्ट्स होंगे। तो जो मेकअप प्रोडक्ट जहाँ के लिए आएगा, हमें वहाँ पर मेकअप जो है वो लगाना होगा। एक्चुअली ये वीडियो मैंने देखा था स्वाति भामरा का, लेकिन उससे पहले ये चैलेंज वीडियो जो है वो इन्वाइट किया था मेकअप ब्लॉगर सेजल ने, तो काफी इंटरेस्टिंग था। मुझे लगा ट्राई करना चाहिए। और ये एक कोलैब वीडियो होने वाला है, जो कि है तमन्ना के साथ। ये है साइलेंट स्ट्राइक विद तमन्ना, उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। उसने भी सेम चैलेंज किया है, तो आप उसका भी मेकअप लुक जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फनी काइंड ऑफ वीडियो होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको करके मुझे बचपन की याद आ गई। लिटरली हम बचपन में राजा कभी चोर से बाइक खेला करते थे, तो ये बिल्कुल वैसा ही चैलेंज होने वाला है कि जिसके पास जो आएगा उसके पास वो पॉइंट्स हो गए। तो वैसे ही ये चैलेंज मेकअप फन चैलेंज होने वाला है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए पहले स्लिप्स बना लेते हैं। तो अभी लग चुका है काजल नोज पर। आगे बढ़ते हैं
फिफ्थ राउंड की तरफ। तो 10-10 स्टेट्स हैं, तो पांचवे हाफ में हम पहुंच चुके हैं। और अभी तक का मेकअप आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना। फिफ्थ राउंड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिफ्थ राउंड पे देखते हैं क्या आया है शफल। और वैसे अभी तक का मेकअप बहुत ज्यादा बेकार हुआ है। यहाँ पर आया है कॉन्ट्रोल लाइन। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आया है कॉन्ट्रोल लाइन पे आईलाइनर। तो कॉन्ट्रोल लाइन पे आईलाइनर लगाने वाली हूँ। ये कलर्ड आईलाइनर है MN का। तो कॉन्ट्रोल लाइन यानी यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा हमने फनी बनाने के लिए मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट चूज किए हैं ताकि आपको भी मजा आए। तो कॉन्ट्रोल लाइन जो है वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और फाउंडेशन तो सारा ब्लेंड ही हो गया जो हमने चिन पे लगाया, देखो इस पे भी लग गया। तो हम जरा ब्लेंड कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं राउंड 6 की तरफ। इसको शफल कर लेते हैं। अभी क्या आया है, लिपस्टिक कहाँ पर आएगी? तो चलो इसको भी शफल कर लेते हैं। एक भी चीज धमकी जगह पे नहीं आई है, सिर्फ हाइलाइटर को छोड़ के। तो अपर लैश लाइन पर लिपस्टिक, अपर लैश लाइन बोले तो यहाँ पर लिपस्टिक, हाँ हम आईलाइनर की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फेक क्वालिटी की लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ मैं। वैसे मैं 3-4 लेकर बैठी थी। ये कलर बार की भी है, मेनुका बीज की भी है, बुलेट लिपस्टिक भी है और HR की भी है। पर अभी हमें लगाना है आईलाइनर, तो मैं मेनुका बीज की ही लगाती हूँ क्योंकि इसकी जो आगे से वॉन्ट है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है, आराम से लग जाएगा। तो फाइनली आई मेकअप फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा है, बाकी पार्ट को छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। तो राउंड 7 अगेन शफल 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 शफल। और जो चीज आई है वो है कॉन्टोर। और कॉन्टोर को हमने कहाँ लगाना है, इसको ये शफल 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 जो गिर रहा है वही ले लेते हैं। ये आया है चिक्स पे कॉन्टोर, चिक्स पे। चलो करते हैं। पता नहीं आज कौन सी चीज कहाँ पर लगानी है, कैसा मेकअप लुक दिखेगा। अभी तक का मेकअप लुक कैसा लग रहा है मुझे जरूर। ये है शुगर का कॉन्टोर पैलेट, यानी जिसे हम ब्रॉन्जर भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है और इसे हम चिक्स पे लगाएंगे। बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं राउंड 8 की तरफ। यहाँ पे हमने किया है फिर से शफल। और अभी आया है ब्लश, पहले आ जाता ये हालत ना होती। आगे बढ़ते हैं, शफल 2 ही रहे हैं। तो देखते हैं, इसमें आया है चिक बोन पे ब्लश, 2 मिनट का मून। चलो सिवाना का ब्लश हमें लगाया है चिक बोन पर। यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ और इसे हम हाइलाइटर वाली जगह पे लगाएंगे। वाओ कितना सही लग रहा है, सब ऊट पटांग हो गया है। जो कैसे कम नहीं लग रही हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं 9th राउंड की तरफ। अगेन शफल शफल शफल। और यहाँ पर आता है आई शेडो। और अब इसकी क्या बारी आती है, इसको भी हम करते हैं शफल शफल शफल। दो ही रही है वैसे। ये आया है वॉटर लाइन पे, आई वॉटर लाइन पे हमें लगाना है आई शेडो। तो यहाँ पर मैंने लिया है ABS का पैलेट, जिसमें आपको कॉम्पैक्ट मिल जाता है, ब्लश मिल जाता है, लिपस्टिक्स मिल जाती है और इसके साथ साथ आई शेडो मिल जाता है, काफी सस्ता है। हमने इसे लगाना है अपर वॉटर लाइन पे। तो यहाँ पर जो सेम ब्रश आता है उसकी मदद से लगाऊंगी। और इसमें से मैं कौन सा कलर लगाऊं वाटर लाइन पे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लेते हैं ये वाला पिंक कलर। इसको हम लगाते हैं वाटर लाइन पे। मेरी आंख में चला गया। कृपया ऐसे घर पर ट्राई ना करें, आपकी आंखों में जा सकता है। ये जो पाउडर है ना थोड़ा सा इच्छी हो रही है। और इधर भी हम लगा लेते हैं। लग गया। तो ये भी डन, अब लास्ट रह गया है, सिर्फ एक ही रह गया। मैं हैप्पी हूँ कि एक ही रह गया है। तो आगे बढ़ते हैं राउंड 10 जो कि है फाइनल राउंड। और उसके बाद हमारा फाइनल मेकअप लुक निकल गया आएगा। तो फाइनल राउंड में है क्या है, आईब्रो पेंसिल। हाँ यही रह गई थी। और यहाँ पर है आईब्रोज का आईब्रो पेंसिल। वाओ सिर्फ यही अच्छा है।
चीज आई है। यहाँ पर द फैशन फैक्ट्री का मैंने लिया है आईब्रो पेंसिल और इसे मैं आईब्रोज फिल कर दूंगी। ये है मेरा फाइनल लुक। चलिए अभी हम थोड़े से ब्यूटी शॉट्स ले लेते हैं। तो कैसे लगे ये ब्यूटी शॉट्स और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो एकदम भूतनी वाला फील आ रहा है कि जैसे भूतनी का मेकअप किया है। लेकिन इतनी फंकी भूतनी कहीं देखी नहीं होगी आपने। मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है खुद को देख देख के। कुछ ज्यादा ही फन काइंड ऑफ वीडियो था और ऐसे और चैलेंजेस अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग चैलेंजेस लेकर आऊंगी। मुझे काफी ज्यादा मजा आया इसको करने में। मतलब मुझे अपना बचपन याद आ गया और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। थोड़े टाइम में भूल गई थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरी शादी हो गई है। लेकिन ये मजा आया, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे और इंटरेस्टिंग चैलेंजेस के लिए मेकअप लुक्स के लिए, ऐसे मेकअप लुक नहीं अच्छे मेकअप लुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।